Hi everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि इन्फोसिस की तरफ से निकल कर आ रही है. सो एक नहीं बल्कि दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी. बेसिकली हुआ क्या है, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड का जो प्लेटफॉर्म है उनके अंदर आपके पास बहुत ही सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं. अगर आप घर बैठे कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, नई नई स्किल्स गेन करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास. इन्फोसिस ने नया प्लेटफॉर्म और एक नई अपॉर्चुनिटी लॉन्च की है जिसके अंदर अब वो सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सर्टिफिकेशंस डायरेक्टली आपको इन्फोसिस की तरफ से मिलेगी. बेसिकली आपको एक एग्ज़ाम देना होगा. अगर एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं तो इन्फोसिस की तरफ से आपको ये एक वैलिड और वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिल सकता है. ये सर्टिफिकेशन कैसे लेना है, उससे पहले कोर्सेज कहाँ पे मिलेंगे, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगी. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ जाके फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए. बिकॉज इसी तरह की वीडियोज़ की डिटेल मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेकर आती हूँ, जहाँ पे हम फ्री कोर्स, सर्टिफिकेशन, जॉब, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसे डिस्कस करते हैं. सो मेन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं. इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के अंदर आपके पास वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. अगर आप इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के बारे में नहीं जानते, सो ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर एक डोमेन से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे वो डेली कोडिंग क्लासेस हो, कोई स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई कोर्सेज हो, हर एक तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. सो ये इनका मेन प्लेटफॉर्म है. अभी तक का आप देख सकते हैं 6 लाख प्लस यूज़र्स ने यहाँ पर इनरोल किया है और 550 प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं. सो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है इन्फोसिस की तरफ से, जिसके अंदर बहुत अच्छा एक जो कैटेगरी कोर्सेज होते हैं वो आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं. बात करते हैं किस तरह के कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे. उससे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन और साइनअप करना होगा. अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं ईमेल आईडी, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लीजिए. नहीं है सो गूगल के साथ आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. एक बार आपका जैसे ही यहाँ पे लॉगिन साइनअप का प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा, होम सेक्शन में बात करेंगे. होम सेक्शन में आपको जो है वो सारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, चाहे आईटी डोमेन से रिलेटेड है. आप देख सकते हैं एजाइल के कोर्सेज मिल रहे हैं, डिवॉप्स के हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन के, साइबर सिक्योरिटी, असेंशियल ऑफ क्लाउड्स एंड आईओटी का रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएगा यहाँ पे. बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज चाहिए वो भी मिल जाएंगे. अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड चाहिए वो भी मिल जाएंगे आपको. बेसिक्स ऑफ आईटी बिहेवियरल स्किल्स से रिलेटेड चाहिए वो भी मिल सकते हैं. तो आप देख सकते हैं हर एक तरह के कोर्सेज की यहाँ पे अलग से कैटेगरीज बना के रखी हुई हैं. आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं. मान लीजिए अगर साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, सो इसके अंदर आपके पास दो तरह के कोर्सेज मिलेंगे. बाकी आपके पास यहाँ पे बिगिनर लेवल के मॉड्यूल वाइज कोर्सेज भी बताए गए हैं. आप चाहे तो एक एक करके यहाँ पे इन कोर्सेज को पढ़ सकते हैं, स्किल्स नए गेन कर सकते हैं. बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, इन कोर्सेज के अंदर आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा. सर्टिफिकेशन अगर आप लेना चाहते हैं, सो वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से मिलने वाली है. बाकी कोर्सेज आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर सेक्शन में जाना है, उसके अंदर ही आपके पास सारे कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी. अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोर्सेज चूज कर सकते हैं. एक बार स्किल्स गेन हो जाएंगे तो आप आराम से अपना सर्टिफिकेशन भी दे पाएंगे. सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जहाँ पे आपके पास जो लिस्ट आ जाएगी जो भी इन्फोसिस की तरफ से पर्टिकुलरली सर्टिफिकेशन कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं. सो ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना है. वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे. यहाँ पे अभी तक के लिए 7 ऐसे रिजल्ट्स हैं, मतलब 7 ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन मिल रही है. जिसके अंदर पहला कोर्स है हमारे पास स्प्रिंग एसोसिएट डेवलपर का. अभी तक के लिए 7 दिखा रहे हैं. हो सकता है विद टाइम यहाँ पे और नए कोर्सेज ऐड ऑन हो और नए नए कोर्सेज की सर्टिफिकेशन आपको मिले. सो टाइम टू टाइम आप इस प्लेटफॉर्म को चेक करते रहिएगा, आपको नए नए कोर्सेज, नए नए सर्टिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है. बाकी इसके अंदर आप देख सकते हैं स्प्रिंग एसोसिएट डेवलपर का आपके पास जो है पहली सर्टिफिकेशन आ रही है. सेकेंड हमारे पास है आईटी फाउंडेशन स्किल की, एक हमारे पास पाइथन की भी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं रिएक्ट एसोसिएट की है, एंगुलर से रिलेटेड आई है, जावा डेवलपर की है, और एक पाइथन प्रोग्रामर सर्टिफिकेशन है. सो ये बहुत सारी सर्टिफिकेशन नई नई हैं जो कि ऐड ऑन हुई हैं. अब बात करते हैं इसके अंदर किस तरह से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं. तो अभी खोल के हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामर की सर्टिफिकेशन. हो सकता है बीच में कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस भी हो जिनका कंटेंट अवेलेबल ना हो, या जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम अब क्लोज हो चुके हैं, सो उनको आप लीव कर सकते हैं. जो भी अवेलेबल है यहाँ पे वो हम देखने वाले हैं. सो पाइथन प्रोग्रामर सर्टिफिकेशन अभी अवेलेबल है.
इसका अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको तीन तरह से रिजल्ट मिलेंगे। एक आप ओवरव्यू सेक्शन देख सकते हैं, सर्टिफिकेशन का है, और एक आपके पास एनालिटिक्स का है। ओवरव्यू में आपको वो चीज़ें बताई जाएगी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाने वाली है। सर्टिफिकेशन के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑनलाइन, और एनालिटिक्स के अंदर वो बताया गया है कि कितने लोगों ने अभी तक इसके अंदर अपेयर किया है, कितने लोगों ने व्यू किया है। सो जैसे ही आप टेक एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका कंटेंट लोड होके आ जाएगा। कुछ प्री रिक्विजिट्स बताई गई हैं यहाँ पे, उसको जस्ट आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास जो है एक एक करके आपका कॉलम यहाँ पे चूज़ हो रहा है। सो प्रोसीड टू टेस्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं आपका माइक्रोफोन भी यहाँ पे आपको ऑन रखना होगा और आपका कैमरा भी आपको ऑन रखना होगा। टोटल आपके पास यहाँ पे 60 मिनट्स की टाइमिंग दी जाती है टू कंप्लीट योर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। इसके अंदर जो मेन जर्नल गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दिया जाएगा। एक अटेम्प्ट के अंदर अगर आपका क्लियर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर अकाउंट से दोबारा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन केस अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी इस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम को लेने में, इन्फोसिस की तरफ से जो ये सर्टिफिकेशन निकल कर आ रही है वो लेने में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आप डे टू डे बेसिस पर मेरे साथ वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया है। हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम की। अगर पर्टिकुलरली मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको सर्टिफिकेशन लेके दिखाऊंगी। सो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।